मैं अमरेश सर और इस ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने पढ़ा था बायोलॉजी, और बायोलॉजी के बहुत सारे वीडियो गए हैं। और इसी के क्रम में मैंने बताया था कि इसमें साइंस में तीन सेक्शन होते हैं, बायोलॉजी होती है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है। तो उसी दूसरा सेक्शन फिजिक्स के संदर्भ में आज मैं बताऊंगा कि फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है। ध्यान दीजिए, पढ़ते बहुत सारी किताबें आए होंगे, और इसमें क्या होंगे, बहुत सारी आपके पास डिग्रियां होंगी। और डिग्रियों को मैं आप बहुत एक सम्मान की दृष्टि से देखता हूं। और डिग्रियां होती हैं, कंपटीशन ये नहीं मांगता है कि आप फिजिक्स से MSc हैं, PhD हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, इससे उसको मतलब नहीं होता है। एग्जाम का एक बेसिक व्यू होता है कि हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं आप उसको सॉल्व कर दीजिए, तो वही आयोग आपको विद्वान मानता है कि आपके दिए हुए क्वेश्चन को वह आप सॉल्व करके आंसर बहुत सटीक दे देते हैं। तो वह आयोग आपको विद्वान मानता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं, और इसी के आपको सिलेक्शन भी दे देता है। तो इसको क्रम में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं एग्जाम में, यह नहीं आवश्यक होता है कि आप कितना पढ़ते हैं, कितनी किताबों को पढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं होता है। मतलब यह होता है कि आप क्या पढ़ते हैं जो एग्जाम के अनुसार उसका सटीक आंसर दे सकते हैं। तो इसमें दो बिंदुएं निकल कर सामने आती हैं कि सबसे यह आवश्यक, यह सबसे यह पॉइंट, पहला पॉइंट होता है कि आप किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। एग्जाम की जो रणनीति होती है कि किन चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, A to Z कंपटीशन के दृष्टि से। तो सबसे पहले कंपटीशन की एक रणनीति का एक भाग होता है कि आपके दिए हुए सिलेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन के अंतर्गत आप किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। और जो जिस विद्यार्थी में यह पॉइंट्स आ गए कि क्या नहीं पढ़ना है, तो वह सिलेक्शन ले लेता है। लेकिन दूसरा गुण भी यह होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है। यह सबसे दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि क्या नहीं पढ़ना है और पढ़ना है तो क्या मुझे पढ़ना है। तो इसी के क्रम में यदि फिजिक्स का अध्ययन करेंगे तो फिजिक्स के एक साल में भी यहाँ पे समाप्त नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे टू द पॉइंट मैं बताऊंगा कि फिजिक्स में किन किन बिंदुओं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन दे लिया जाए कि फिजिक्स किसे कहते हैं। तो फिजिक्स का अभिप्राय होता है, किसकी परिभाषा दिया जाए कि फिजिक्स का अभिप्राय होता है या फिजिक्स किसे कहते हैं, कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसपे द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और इसका अभिप्राय अब यहाँ पे देखिए कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो द्रव्य की परिभाषा आप पढ़े होंगे कि द्रव्य वह वस्तु होती है जो स्थान घेरती है, जिसपे मास या द्रव्यमान होता है, और जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से परिभाषा कि द्रव्य वह वस्तु होती है जो स्थान घेरती है, जिसमें मास या द्रव्यमान होता है, और जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। और इसी द्रव्य के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस द्रव्य के एग्जाम्पल्स होते हैं, ईंट होता है, पत्थर, कोयला, चांदी, सोना, मिट्टी, टेबल, कुर्सी, मेज, जितनी भी वस्तुओं को आप जानते हैं सब एज ए मैटर के रूप में आते हैं। और इसी में एक पॉइंट्स आता है द्रव, क्या होता है द्रव, लिक्विड होता है, लिक्विड। तो यहाँ पे बहुत कुछ ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, इतना ध्यान दीजिए कि इस मैटर, द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। द्रव्य मतलब मैटर होता है और द्रव मतलब लिक्विड होता है। तो इसी द्रव्य, यही जो द्रव होता है, यह पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। और इस द्रव्य को आप तीन रूपों में पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्थाएं होती हैं। इसी द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस होता है, ठोस सॉलिड होता है, द्रव होता है लिक्विड, जो अभी लिखे हैं लिक्विड होता है, और गैस होता है। तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और ऊर्जा क्या होते हैं कि किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। और यह दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो जैसे इसके एग्जाम्पल, गतिज ऊर्जा, फैन चलता है तो वह गतिज ऊर्जा होगी, और वही फैन रुक जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं।
और यही कारण होता है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि उस काइनेटिक एनर्जी को, उस पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट कीजिए, सारे कंपटीशन अपने आप निकलेंगे। तो यहाँ पे यह द्रव्य और ऊर्जा के संदर्भ में संक्षिप्त में चर्चा किया हूँ। जब इसको डिटेल पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे विस्तार से चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो यह ऊर्जा होती है और इसी द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है। छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, द्रव्य की तीन अवस्थाएँ होती है। कैसे होता है, एक ठोस होता है, सॉलिड होता है, और दूसरी जो अवस्था होती है वह द्रव की होती है। क्या होती है, द्रव लिक्विड होता है, और तीसरी जो अवस्था होती है वह गैस की होती है। गैस होता है। तो यह तीसरी अवस्था होती है, और इसी द्रव्य को जब ऊर्जा दी जाती है, इसी ठोस को जब गर्म करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी ठोस को जब ऊर्जा दी जाती है, एनर्जी दी जाती है, तो यही ठोस किस में परिवर्तित हो जाता है, गल कर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को गलनांक कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गलनांक। इसको इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और इसे संक्षेप में MP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो इसी क्या गल कर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, इसी को गलनांक कहते हैं। और दूसरी चीज़ें होती है कि कोई भी द्रव को जब गर्म करते हैं तो वह सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। इसको वेपराइजेशन, वेपराइजेशन के नाम से इसको जानते हैं। और ठीक इसी प्रकार से इसमें ऊर्जा को दी जाती है, एनर्जी को दिया जाता है। और जैसे ही ऊर्जा को आप निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ऊर्जा को आप निकाल लेते हैं वही गैस किस में परिवर्तित हो जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ निगेटिव एनर्जी होती है। तो इसी प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी प्रक्रिया को यहाँ पे संघनन के नाम से जानते हैं, कंडेंसेशन, संघनन कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। और उसी द्रव को जब पुनः ठंडा कर देते हैं, तो वह किस में परिवर्तित हो जाती है, ठोस में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक। एरो ध्यान दीजिएगा, इसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर यह द्रव अवस्था को नहीं देते हैं, इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिनको गर्म करने पर वह द्रव अवस्था को नहीं देते हैं, इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के नाम से इसको जानते हैं। और इसी के एग्जाम्पल होते हैं, कपूर होता है, नवसादर होता है, NH4Cl होता है। लेकिन कुछ ऐसे गैस होते हैं जिनको ठंडा करने पर यह द्रव अवस्था को नहीं देते हैं, यह क्या होते हैं, ठोस में सीधे परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को ठोसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोसीकरण, सॉलिडिफिकेशन फिकेशन के नाम से जानते हैं। और इसी की जो अंतिम अवस्था होती है कि क्या होती है, प्लाज्मा। तो यह द्रव्य की चौथी अवस्था होती है, 1, 2, 3 और 4 होता है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मैं बताऊंगा कि इसमें किन किन बिंदुओं को पढ़ना है। तो ठोस के संदर्भ में ध्यान दीजिए कि जब किसी ठोस को गर्म करते हैं, यहाँ पे जब किसी ठोस को आप गर्म करते हैं तो वह क्या होता है, सीधे गलने लगता है। इसी प्रक्रिया को गलन कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। और एक अवस्था ऐसी आती है कि इस ठोस को चाहे जितना भी गर्म कर दीजिए, इस ठोस का टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर स्थिर हो जाता है, जब तक कि संपूर्ण ठोस गल कर किस में ना परिवर्तित हो जाए, द्रव में ना परिवर्तित हो जाए। तो इसी स्थिर ताप को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी स्थिर ताप को मेल्टिंग पॉइंट्स कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। और द्रवों की विशेषता और दूसरी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को एनामोलस एक्सपेंशन आप वाटर के संदर्भ में भी पढ़ाएंगे, और थर्मल एक्सपेंशन यहाँ ऊष्मा के संदर्भ में, यहाँ मैं पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल्स ऊष्मा के संदर्भ में, कि द्रवों को इनके ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है, द्रवों का आकार व आयतन निश्चित
ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है, केवल आयतन निश्चित होता है, न गैसों का न आकार होता है न आयतन होता है। इसी के आधार पर हीट एक्सपेंशन यानी थर्मल एक्सपेंशन की व्याख्या की जाती है। और यहाँ पे द्रवों को सीधी सिंपल सी परिभाषा होती है कि द्रव को गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रवों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया किस टेम्परेचर पर होती है, यह बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन होता है, किताबों में शायद नहीं मिलता है, लेकिन ध्यान दीजिए कि द्रवों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रत्येक टेम्परेचर पर होती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे सर्दियों में कपड़े सूखते हैं, गर्मियों में सूखते हैं, बरसात में भी सूखते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं, इसीलिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रत्येक टेम्परेचर पर होती है। ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पे इस एरो को ऐड कीजिएगा कि जैसे ठंडा करते हैं, एनर्जी को निकाल रहे हैं, ठंडा करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। और संघनन में क्या होता है कि इसमें गैस क्या होती है, पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाती है। और इसी संघनन प्रक्रिया के आधार पर किसका निर्माण होता है, बादल का निर्माण होता है। संघनन की प्रक्रिया जब वायुमंडल के ऊपरी सतह पर होती है तो बादल का निर्माण होता है, और जब बीच में होता है तो क्या होता है कि ओस या ड्यू का निर्माण होता है। वही संघनन की प्रक्रिया जब सर्दियों में धरातल के समीप होती है तो फाग या कोहरे का निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे इनके सीक्वेंस में बनाए गए। और पानी को संदर्भ में इसके मैंने भोज्य पदार्थों में नेक्स्ट वीडियो को बनाया था कि द्रवों का एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर हिमांक होता है, फ्रीजिंग पॉइंट्स होता है। तो यह सब सारी चीज़ें रही कि द्रव्य और ऊर्जा के संदर्भ में परिभाषाएँ होती हैं। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा बता दिए थे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। इन्हीं दोनों रूपों का अध्ययन किया जाता है। और इसके संदर्भ में आधुनिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में, इस भौतिक विज्ञान के संदर्भ में टेक्नोलॉजी को पढ़ना रहता है। टेक्नोलॉजी का अभिप्राय होता है कि ऐसी तकनीक जो व्यक्ति, समाज और देश के विकास में सहायक हो, उसे क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं। और इसी प्रौद्योगिकी का अभिप्राय मैंने आगे यहाँ पे इस पॉइंट को नोट किया है, प्रौद्योगिकी अभी इसको बता रहा हूँ। तो इसमें ध्यान दीजिए कि मूलभूत चीज़ों में, इसमें आपके कंपटीशन में आपके बेसिक टॉपिक कौन कौन से होते हैं, तो द्रव्य के संदर्भ में मैंने एक्सप्लेन किया था कि द्रव्य किसे कहते हैं, और ऊर्जा के संदर्भ में इसकी बहुत सारी प्रौद्योगिकी होती है। और तीसरा पॉइंट्स होता है यांत्रिकी। यांत्रिकी किसे कहते हैं, यांत्रिकी का अभिप्राय होता है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स का अभिप्राय होता है कि जिसमें बल लगाकर कार्य किया जाता है उसे यांत्रिकी कहते हैं। और इसमें यांत्रिकी में आप पढ़ेंगे बल, दाब, संवेग, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और इसके अतिरिक्त जो कार्य होता है, ऊर्जा होती है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में इसमें एक्सप्लेन करेंगे। और भौतिक राशियाँ, तो अभी यहाँ से परिभाषा बताई थी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और इस भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, तो राशियों का अभिप्राय जो होता है कि सबसे पहले भौतिक को तो बाद में देखिए, पहले राशि को जानिए। और राशियों का अभिप्राय कुंभ, मेष, नक्षत्र, वो सारी चीज़ें जो पंडित जी लोग बताते हैं, वह राशियाँ इसमें आपको नहीं पढ़नी होती है, क्योंकि यह देश की विकास की प्रौद्योगिकी में इसका कोई योगदान नहीं होता है। और यहाँ पे आइए कि राशि का अभिप्राय होता है कि जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जाए उसे क्या कहते हैं, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जाए उसे राशि कहते हैं। और जिन राशियों को जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जाए, संख्या का अभिप्राय होता है जैसे व्यक्ति की लंबाई, आदमी की मोटाई, चली गई दूरी, और ये सब क्या होते हैं, एक संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं चलता हूँ, तो चलता हूँ तो क्या चलता हूँ, कितने दूर चलते हैं, आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं। जैसे आप कहा जाए कि 10 किलोमीटर चलते हैं तो वह एक क्या होगी, राशि होगी। और चली गई जो चलते हैं उसको दूरी में इंडिकेट करते हैं, तो दूरी समय की परिभाषा को भी मैं बताऊँगा। और इसमें ग्राफ कैसे आते हैं, तो यह राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक भौतिक राशियाँ और दूसरा भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशि और सदिश राशि होती है, एक स्केलर क्वांटिटी जो होती है और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी होती है। अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए क्या होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो और दूसरा होता है सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटीज होती है, ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। परिमाण का अभिप्राय होता है, जैसे मान लीजिए किसी निश्चित स्थान की जो दूरी तय करते हैं वह परिमाण होता है, परिमाण होता है। और वही जो उस निश्चित दूरी को किसी दिशा में तय करते हैं तो वह क्या होता है, वही क्या होती है,
कि वही परिमाण के संदर्भ में उसको एक्सप्लेन, उसके साथ साथ दिशा भी ऐड हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। और इसमें मात्रक में पढ़ेंगे कि मात्रक किसे कहते हैं, तो भौतिक राशियों को जो एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो यह मात्रक होते हैं। और यह मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक होते हैं और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। मूल मात्रक का अभिप्राय होता है कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। इसमें सात होती हैं, सेवन मूल राशियां होती हैं, दो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। यदि टोटल मूल फंडामेंटल यूनिट की संख्या पूछा जाए आपसे तो नौ हो जाते हैं, लेकिन वैसे सात ही होती हैं जो एसआई पद्धति के अंतर्गत आती हैं। इसमें पढ़ेंगे मापन की पद्धतियां। और दूसरा जो होता है व्युत्पन्न राशियाँ, ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती है, व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। इसमें आप प्रकाश पढ़ेंगे, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, एक दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। और इसके प्रकाश के प्राकृतिक सोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं। तो इस प्रकृति में प्रकाश का एक नेचुरल सोर्सेज, प्राकृतिक स्रोत जो होता है वह सूर्य होता है। और सूर्य से कैसे होता है, सूर्य के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है नाभिकीय संलयन, क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और उसी में हाइड्रोजन के जो दो समस्थानिक आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है, कि यही हीलियम परमाणु का निर्माण होता है और यह ऊर्जा उत्पन्न करती है। और इसी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को क्या करते हैं, थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन यानी नाभिकीय ताप अभिक्रिया के नाम से इसको जानते हैं। तो यह अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, इनकी चर्चा मैं आगे करूंगा कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन मतलब टूटना या विखंडन होता है। और इसमें आप पढ़ेंगे बहुत सारे टॉपिक होते हैं, क्या होते हैं, प्रकाश के सोर्सेज क्या होते हैं, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण कितना होता है। और इसमें आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे। और इसी के बाद से पूर्ण आंतरिक परावर्तन को पढ़ने के बाद से इसमें लेंस होता है, दर्पण होता है, लेंस की क्षमता, इसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और उष्मा जो होती है, उसमें गर्म या ठंडे का अनुभव होता है, उसे उष्मा कहते हैं। और इसी थर्म, इसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, उष्मा प्रसारण की विधि होती है। तो उसमें उष्मा प्रसारण की जो विधि होती है तीन प्रकार की होती है, चालन, संवहन और विकिरण होती है। और इसी में थर्मल एक्सपेंशन जो मैंने अभी संक्षेप में इसकी चर्चा किया है। तो ध्वनि जो होती है, ध्वनि यानी ध्वनि जो होती है, ध्वनि का उत्पन्न करने का कार्य क्या होते हैं, कि वस्तुओं के कंपन से क्या होती है, वस्तुओं के कंपन से क्या होती है, तरंगे उत्पन्न होती हैं। और यही तरंगे जब हमारे कान के पर्दे पर टकराती हैं तो ये ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। और मनुष्य में ध्वनि उत्पादक अंग होता है, यही इसी में क्या होता है, लैरिक्स होती है, स्वर यंत्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, जो ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो यह ध्वनि की के संदर्भ में इसको पूछेंगे, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड के आधार पर ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, इन सारी चीज़ों को इसमें बनाएंगे। और इसी के आधार पर इससे अपश्रव्य, श्रव्य होती हैं और अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं। तरंग को पढ़ेंगे, तरंगे दो प्रकार की होती है, मैकेनिकल वेव, तरंग का अभिप्राय होता है कि किसी माध्यम में क्या होती है, किसी माध्यम में उत्पन्न होने वाला विक्षोभ जो बिना स्वरूप बदले आगे की ओर बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। और इन तरंगों का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स होता है जो शरारत आप बचपन में करते हैं, तालाब के किनारे, कुएं के किनारे खड़े रहते हैं, क्या कहते हैं, पत्थर फेंक देते हैं, तो वह क्या होती है, उस पानी में तरंगे उत्पन्न होती हैं। दो प्रकार की होती है, मैकेनिकल वेव होती हैं और दूसरा नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स का अभिप्राय होता है कि जिसमें बल लगाकर, अभी इसकी परिभाषा बताए थे कि जिसमें बल लगाकर कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, यांत्रिकी तरंगे कहते हैं। यांत्रिकी तरंगों के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जैसे ध्वनि की तरंगे, जल की तरंगे, रस्सी की तरंगे, सब यांत्रिकी तरंगों के उदाहरण होते हैं। और इन तरंगों को चलने के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम के अभाव में यह तरंगे नहीं चल पाती हैं। और दूसरा होता है अयांत्रिकी तरंगे, यानी ऐसी तरंगे जिनको उत्पन्न करने के लिए क्या होती है, बल की आवश्यकता नहीं होती है, यह प्रकृति में वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के दोलन से उत्पन्न होते रहते हैं। और यह प्रकाश की चाल से तरंगे चलती हैं, 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलते हैं। और इसमें आधुनिक प्रमाण भौतिकी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, प्रौद्योगिकी के हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेजर, मेसर, ये आपके जो आधुनिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इसमें मोबाइल टेक्नोलॉजी होती है, लैपटॉप टेक्नोलॉजी होती है, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेजर, मेसर, जो आधुनिक चिकित्सा में उपकरण के साधन होते हैं।
और प्रौद्योगिकी का अभिप्राय होता है, अभी बताए थे प्रौद्योगिकी, और इसमें प्रौद्योगिकी को जोड़कर बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। एक जो होता है PSLV जो आप सेटेलाइट्स देखते हैं, और GSLV, तो इसका अभिप्राय होता है कि PSLV होता है जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा को छोड़कर या एक स्थान से उड़ा जाता है, इसी के कारण इसे ध्रुवीय प्रक्षेपण उपग्रह कहते हैं। और यह भूमध्य रेखा जो होती है GSLV, जियो सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होती हैं, इसका बहुत सारे मैपिंग के रूप में, GPRS के रूप में, इसका GPS के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसकी विशेषता होती है कि GSLV की जो विशेषता होती है, इसकी तीन विशेषताएँ होती हैं GSLV की। सबसे पहले इसको पृथ्वी के भूमध्य रेखा इक्वेटर से लॉन्च किया जाए, दूसरा होता है कि इसका परिभ्रमण काल पृथ्वी के प्रतिभ्रमण काल के बराबर हो, और इसके पृथ्वी से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर तक होती है। तो इस प्रकार से इनको एक सीक्वेंस के रूप में प्रौद्योगिकी को पढ़ेंगे, और इसी के बाद से इसके क्रम में मैंने बता दिया है कि इनको सामान्यतः पढ़ने के बाद से इसका पेड बैच जब चलेगा तो एक एक पॉइंट, हर एक पॉइंट्स को बताएंगे। और तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।